बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए हमेशा ही आप सभी के दिलों पर राज किया है। जहां एक ओर अपनी फिल्मों के जरिए आप सभी के दिलों पर राज किया, तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ के चलते काफी सुर्खियां भी बटोरी। देखा जाए तो अपनी पर्सनल लाइफ के चलते कई एक्ट्रेस ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा भी कह दिया। तो आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं ऐसी कई खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने धीरे धीरे लाइमलाइट से दूरी बना ली। शादी के बाद मां बनने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहती हुई नजर आई और अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले लारा दत्ता के बारे में। लारा दत्ता जिन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्में दी हैं। हाल ही में लारा दत्ता ने वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखा है। जी हाँ, 100 के जरिए लारा दत्ता वेब सीरीज में कदम रखती हुई नजर आई, लेकिन फिल्मों से धीरे धीरे लारा दत्ता ने दूरी बना ली। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लारा ने साल 2011 में महेश भूपति के साथ शादी की और आज के समय में दोनों की एक प्यारी सी बेटी है। साल 2018 में लारा दत्ता की आखिरी फिल्म देखी गई थी वेलकम टू न्यूयॉर्क, और अब वेब सीरीज के जरिए लारा दत्ता ने धमाल मचा कर रख दिया है। दूसरा नाम है लीजा हेडेन का। जी हाँ, लीजा भी इन दिनों अपने परिवार पर पूरी तरीके से फोकस करती हुई नजर आ रही हैं। साल 2016 में फिल्म ए दिल है मुश्किल में नजर आई थी लीजा हेडेन, और अब पूरे परिवार पर अपना ध्यान बनाई हुई हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अक्षय कुमार की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना के बारे में। ट्विंकल खन्ना आज के समय में प्रोडक्शन की दुनिया में काफी एक्टिव है। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि ट्विंकल खन्ना आखिरी बार देखी गई थी फिल्म लव के लिए कुछ भी करेगा मैं। वहीं ट्विंकल खन्ना अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस की हुई हैं और साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री के अलावा ट्विंकल खन्ना अपने साइड बिजनेस पर ध्यान देती हुई नजर आ रही हैं। आज के समय में ट्विंकल और अक्षय के दो बच्चे हैं, बेटा है आरफ कुमार और बेटी है नितारा, और अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जेनेलिया डिसूजा के बारे में। जी हाँ, बॉलीवुड की क्यूटेस्ट एक्ट्रेस में से एक गिनी जाती हैं, जिनकी प्यारी सी स्माइल पर हर कोई फिदा हो जाता है। साल 2003 में फिल्म तुझे मेरी कसम से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था। जेनेलिया ने जहाँ एक और बॉलीवुड में काम किया, तो वहीं तमिल तेलुगु जैसी फिल्मों में भी नजर आई। लेकिन साल 2012 में जेनेलिया ने शादी की एक्टर रितेश देशमुख के साथ, और आज के समय में इस प्यारे से कपल के दो बच्चे हैं। आखिरी बार जेनेलिया साल 2014 में आई फिल्म जय हो में कैमियो रोल में नजर आई थी, और अब जेनेलिया अपनी पर्सनल लाइफ पर पूरी तरीके से फोकस की हुई हैं। और इस तरीके से जेनेलिया जहां एक ओर अपनी फिल्मों के लिए जानी जाती थी, तो वही माँ बनने के बाद पूरी तरीके से अपने परिवार पर ध्यान दे रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में, जिनका नाम है समीरा रेड्डी। समीरा रेड्डी ने साल 2002 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था और ये फिल्म थी मैंने दिल तुझको दिया। साल 2012 में आखिरी बार फिल्मों में देखी गई थी ये फिल्म थी चक्रव्यूह, और आज के समय में समीरा दो बच्चों की माँ है और अपने परिवार पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रही हैं और अपने बच्चों की परवरिश करने में जुटी हुई हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी वो एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी खूबसूरती अपनी एक्टिंग के जरिए आप सभी को दीवाना किया। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार कब ये आपको फिर से फिल्मी दुनिया में कदम रखती हुई नजर आएंगी। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।